what are the you few concluding take backs that you think that we agar one word mein batana chahun, ek to lifestyle hai, dusra consistency hai, teesra aap kya uska naam hai hard work hai, ye cheeze both matter karti hain, aur chautha kya hai discipline, ye hona zaruri hai, aur sirf fitness ko main ye nahi manta ke wo body dikhana is fitness definitely yeah. Oh yes it's, I just definitely ye one bahut bada factor hai ye jo cheez hai ye my typical the one thing I would like to dominate upon is whenever clients come to me ki yaar we want to have that six pack or we want to have a good physique or we want to lose that's weight. A byproduct of yes fitness yeah. Aesthetics is a byproduct. I always tell them yaar if you want a practical sustainable lifestyle model in which you want to be healthy you know not just good aesthetics healthy a healthy mind a healthy body is what makes the soul nurture so for that you need to go for the skill medical ka ek waste cardiology first word is cardio sahi hai if you do cardio that leads to fitness sahi hai zindagi aapki sahi hai aapko agar fitness se relation hai aap apne heart ko fresh rakho which can be benefited by yoga stretching there are so many fitness ways वो हजार चीजें हैं जो आप बॉडी से मेड बी एनीथिंग हाँ मेड बी एनीथिंग और अगर उसकी बारीकियों में जाओ अगर बॉडी को लेके जाओ तो उसकी फिर बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज लेट्स कंक्लूडेड ओवर हियर व्हाटएवर यू डू योर एस्थेटिक्स इज द बाय प्रोडक्ट दैट यू आर गोना गेट आउट ऑफ द एंड रिजल्ट बट यू नीड टू फोकस ऑन द स्किल और द थिंग दैट यू कॉल एक और चीज दैट यू कॉल फिटनेस दैट गेट्स यू इंट्रीग्ड जो ताकि वो चीज़ आप कर सको लाइफस्टाइल एक लाइफस्टाइल बना सको क्योंकि अगर आप एक स्पेसिफिक फिटनेस की चीज़ को पकड़ लोगे जैसे बॉडी बिल्डिंग कुछ भी तो उसको आप लाइफस्टाइल नहीं बना पाओगे क्योंकि आपको बोरिंग लगती है तो इट नीड्स टू बी फन फॉर यू इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन के वो क्या चाहता है इट नीड्स टू बी फन फॉर दैट पर्सन चाहे वो जो जोन सा भी बंदा है मेरे यही बात को मैं थोड़ा सा वो करूंगा कि डिपेंड करता है अभी बेंच प्रेस मैंने अभी मैं बात हो रही थी बेंच प्रेस है स्क्वाट्स हैं डेडलिफ्ट है हर कोई करता है पहले दिन आके कोई भी करता है सही है और मैं भी कर रहा हूँ एलीट पावर लिफ्टर भी कर रहा है डिपेंड्स कि आप उसमें क्या चाहते हो उसमें बस आप ढूंढते इल्म ना इतनी इतनी बारीकी आपको जो है आपके फॉर्म में आपके सिस्टम में आपकी फिटनेस में अगेन आपकी बॉडी में जो सबसे ज़्यादा एस्थेटिकली अपीलिंग है वो है वो आपको अपील करता है वो आपको अट्रैक्ट करता है वो आपको खुश करता है अगेन हारमोन्स रिलीज होते हैं तो आपकी उसमें ही खुशी आपको आगे बढ़ाती रहती है छोटी छोटी चेंजेस से लेकिन अगेन वो भी इल्म से ही होता है और दूसरी बात ये जिधर बॉडी की बात आ जाती है दैट इज़ अ बाय प्रोडक्ट कैसे आप कारोबार बाहर करने जाते हो पैसा उसका बाय प्रोडक्ट है आप कारोबार खड़ा करते हो काम उसका बाय प्रोडक्ट है तो हर चीज़ का जैसे आप फिटनेस करोगे बॉडी इज़ अ बाय प्रोडक्ट